नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट में। मैं जा रहा हूँ भृगु खाल, क्योंकि मुझे ये सामान देना है। तो देखते हैं कोटद्वार के लिए कौन सी गाड़ी जाती है, उस गाड़ी पे सामान भिजवाया जाए। आज यहाँ मौसम पूरी तरीके से खराब हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। देखिए शायद आज यहाँ पे बारिश हो सकती है। और ये देखिए आप गाँव, मैं इधर से आया हूँ, ये मेरा घर है। खाल में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये छोटा पप्पी है, एक ये सो रहा है। और भृगु खाल में सुबह जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं, कोटद्वार और ऋषिकेश के लिए बहुत गाड़ियाँ रहती हैं। ये पुष्कर चाचा की दुकान है और ये यहाँ पर समोसे, ब्रेड पकौड़ा इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। ये देख सकते हैं सामने ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं वो चाचा। समोसे के साथ ये चाचा जो चटनी देते हैं वो बहुत ही टेस्टी होती है, तो लोगों की ज़्यादा डिमांड उस चटनी की रहती है। पूरे भृगु खाल मार्केट में सबसे पहले इन्हीं चाचा की दुकान खुलती है। और ये गाड़ी आ चुकी है ऋषिकेश के लिए, ये देवेंद्र भैया की गाड़ी है। और आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट अभी बंद है, क्योंकि सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। और ये पंचायत भवन से आपको व्यू दिख रहा है, जो द ठाकुर मोटर व्लॉग में आपने बहुत बार देखा होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे चीड़ के पेड़ हैं, और चीड़ का पेड़ का जो फ्रूट होता है उसके अंदर से फोड़ा जाता है इसको, और इसके अंदर से एक बीज निकलता है, उसे खा लिया जाता है। जय श्री राम भाभी, उसे बच्चे। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री राम। और सब ठीक ठाक? बढ़िया। अभी सब लोग पानी भरने पे लगे हुए हैं। और गांव देखिए आप, कितना शांत शांत सा लग रहा है अभी मॉर्निंग में। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि भोरा हमारे घर पे आया हुआ है, और सामने बादल लगे हुए हैं। नीरज भाई आवाज़ मार रहे हैं कि चलो पानी लेने चलते हैं। और ये देखिए आप पानी के पास से कितना सुंदर नज़ारा। इन लोगों के रेस्ट करने का टाइम है, और कितने अच्छे से रेस्ट कर रही हैं। ये तो सो ही रहा है, और ये इसकी मम्मी है, और ये इन सब का बॉस। बड़ा फनी स्टाइल है इसका चलने का। ये बकरी आप देख सकते हैं, ये बकरी है नीरज की। और नीरज किस तरीके से रील देखने में व्यस्त हो रखा है। नीरज की बकरी है, उसके दो मेमने हैं, दोनों के दोनों बेबी बॉय। कम ऑन भंडा, चल चल बुढ़ी। अभी थोड़ी देर में हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो उसकी वीडियो को मैं टाइम लैप्स के रूप में बनाऊंगा, तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। आज नीरज की टीम ने हमें 3 मैच हराए, और आज हम एक ही मैच जीत पाए, क्योंकि नीरज की टीम आज काफ़ी फॉर्म में थी। हमारे गांव में जियो का नेट बहुत स्लो चलता है, इसीलिए वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे मंदिर में जाना पड़ता है।
और ये आप देख सकते हैं कि मैं और रानी किस तरीके से इंजॉय कर रही है पूरे डे को। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।